हेलो, आज आम पढ़ा परिमिति परिमिति को इंग्लिश रे मेंसुरेशन कहा जाए। जदि परिमिति शब्द को आम अनुध्यान करवा ए परिमिति शब्द टी तो अन्य अर्थ हो परिमाप और जहाँ मेजरमेंट सहित रिलेटेड मेजरमेंट बा परिमाप। तबे आम साधारणतः आम परिमिति रे तीनोटी विषय पढ़ी था। गोटे हूँ परिसीमा परिसीमा जहाँ को पेरिमीटर कहती, अन्यटी हूँ क्षेत्रफल बा एरिया, तृतीयटी हूँ आयतन बा वॉल्यूम। ये तीनोटी जिनस विषय शिखा पूर्व आम जान रखा दरकार कि सब परिमाण जहाँ आम परिमिति व्यवहार करवा परिमितर विभिन्न सूत्र जहाँ आम आगे शिखा ताको व्यवहार करी कैलकुलेट बा हिसाब करवा ताहा केवल गोटे आबद्ध क्षेत्र ही उपयोगी। आबद्ध क्षेत्र माने कौन ता वर्तमान आम आलोचना करवा। आबद्ध क्षेत्र बाधा को इंग्लिश रे क्लोज्ड रीजन कहती। रीजन माने होची क्षेत्र, आबद्ध माने हला क्लोज्ड। तबे जदि मु एमती किछ ओटे रेखा अंकन कली, जदि तार दुई मु ए आउ बी ना देली, तमे जानिछ जतल मु ए रु बाहरी की बी आड़ को जीवाई चेष्टा करी तेबे कौन हम मु बी रे पहुँचली। किंतु जदि आम अन्य एक नवा क्षेत्र नवा तेबे मु देखली जदि मु गोटे दिगरे बाहर ली, जदि मु संपूर्ण रास्ता अतिक्रम कर सारा पर पुणी से ही बिंदु रे पहुँचली। ओके, जदि आम गोटे क्षेत्र रे बा आबद्ध क्षेत्र ये द्वितीय टी होची गोटे आबद्ध क्षेत्र, आबद्ध क्षेत्र प्रथम टी आबद्ध क्षेत्र नथिला, तेबे गोटे साधारण भाषा रे आमे कही परिबा जदि जे कोनसी क्षेत्र रो जदि गोटे बिंदुरु आमे बाहरी संपूर्ण ता चारिपटे रास्ता अतिक्रम करि आमे जे सेही बिंदु रे पहुंची पारचे ताहा गोटे आबद्ध क्षेत्र कहू, एवं जहाँ जदि हेई पारुनी तेबे ता आबद्ध क्षेत्र नुहु। एवं परिसीमा क्षेत्रफल और आयतन यू जिनस आम जहाँ शिखा ता केवल गोटे आबद्ध क्षेत्र पर उपयोगी बा आबद्ध क्षेत्र को नहीं आम पाइछे पाइछे पाइबा। जमीती कि सबुठ साधारण गोटे उदाहरण प्रथम गोटे सरलरेखा नेली, बर्तमान आबद्ध क्षेत्र नुह कारण मुझे जानी जदि मु बिंदु ए रु बाहर ते पुणी थर बिंदु ए रे पहुँची पारि गोटे भिन्न रास्ता अतिक्रम कर तेरे मुझे एक सरलरेखा अंकन कली मान कि प्रथम ना देली मु ए बी द्वितीय ना देली मु बी सी बर्तमान भी एक आबद्ध क्षेत्र कि नुह किंतु मु एक तृतीय सरलरेखा जदि अंकन करी जहाँ ए रु बाहरी सी को खंडन कर जमीती कि बर्तमान आम जानी आपको आम त्रिभुज कहू। ओके, तेरे बर्तमान जदि मु ए रु बाहर बी रे पहुँची बी रु बाहर बर्तमान सी रे पहुँची एवं सी रु पुणी थे जदि मुझ आगे जी पुणी थे ए रे पहुँची तेरे यह हूँ गोटे आबद्ध क्षेत्र उदाहरण। आबद्ध क्षेत्र उदाहरण जदि मुझे चारोटी रेखा नेबी जमती कि यही जगार तेबे या आबद्ध क्षेत्र कि नुह तुम्हें निजे परीक्षा कर देखिपर जदि जेकोसी गोटे बिंदु बाहर की पुणी थे आम जब से बिंदु में पहुँची पारचे जमीती कि एक क्षेत्र में वन टू थ्री फोर मन कर मु वन रु बाहर की पुणी थे वन पहुँची पारुची तेबे यह आबद्ध क्षेत्र। किंतु से जगार जदि मुझे चारोटी रेखा नेबी वन टू थ्री और फोर बर्तमान
ଆମେ କ'ଣ ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲେ ୱାନ୍ ଟୁ ଥ୍ରୀ ଫୋର୍ ଫାଇଭ ଓକେ କ'ଣ ହେଲା ଆମେ ଯଦି ଯେକୌଣସି ବିନ୍ଦୁରୁ ଯଦି ଆମେ ବାହାରିବା ପୁଣି ଥରେ ସେହି ବିନ୍ଦୁରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବାନି ତେବେ ଏହା ଏକ ଆବଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ର ନୁହେଁ ତେବେ ଆମେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା ଉତ୍ତର ହେଲା ଯେଉଁ ସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ପରିମାପ ସବୁ କରିବା ଗୋଟେ କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ତାହା ଗୋଟେ ଆବଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ର ହେବା ଦରକାର ଆବଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ର ହେବା ଦରକାର ଠିକ୍ ଅଛି ତେବେ ସବୁଠାରୁ ସିମ୍ପଲ୍ ଆବଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ର ଯେମିତି ଆମେ ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜ ହୋଇପାରେ ଆକୁ ଚତୁର୍ଭୁଜ ହୋଇପାରେ ଆଉ ଭୁଜ ମାନେ ବାହୁ ଯାହାର ଏଇଠି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସରଳରେଖାକୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଭୁଜ ବା ବାହୁ କୁହାଯାଏ ବା ଅନ୍ୟ କିଛି ଯେମିତିକି ଯଦି ଚାରିଟାରୁ ଅଧିକା ବାହୁ ହେଲେ ଆମେ ତାକୁ ପେଣ୍ଟାଗନ୍ କହୁ ବା ପଞ୍ଚଭୁଜ କହୁ ଯେମିତିକି ଇଏ ହେଲା ପଞ୍ଚଭୁଜ ଏବଂ ସେମିତି ହେକ୍ସାଗନ୍ ଯାହାର ଛଅଟି ବାହୁ ଅଛି ଏହା ହେଲା ପେଣ୍ଟାଗନ୍ ଆଉ କ'ଣ ହେକ୍ସାଗନ୍ ହେକ୍ସାଗନ୍ ମାନେ ଛଅଟି ବାହୁ ଏଠି ପାଞ୍ଚଟି ବାହୁ ଏବଂ ଏ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ହେଉଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆବଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ର ତେବେ ଚାଲ ଦେଖିବା ପ୍ରଥମେ ପରିସୀମା କ'ଣ ପରିସୀମା ବା ପେରିମିଟର କହିଲେ ହଁ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଆବଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ର ବିଷୟରେ ବି ଆମେ ଯେମିତି ଏଠି ଦେଖିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି କିଛି ବି ଗୋଟେ ବି ସରଳରେଖା ନାହିଁ ଏଠି ଆବଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ଗୋଟେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବକ୍ରକାର ରେଖାକୁ ନେଇ ଗଠିତ ସେମିତି ବକ୍ରକାର ରେଖାକୁ ନେଇ ଗଠିତ ହୋଇଥିବା ସବୁଠାରୁ ସାଧାରଣ ଉଦାହରଣ ହେଲା ଗୋଟେ ଆଉ କ'ଣ କହିଲେ ବୃତ୍ତ ବା ସର୍କଲ୍ ତେବେ ଏହା ବି ଗୋଟେ ଆବଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ର କି ନୁହଁ ଏହା ଗୋଟେ ଆବଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ର କାରଣ ଆମେ ଯେକୌଣସି ବିନ୍ଦୁରୁ ଯଦି ବାହାରିବା ପୁଣି ଆମେ ଯଦି ପୁରା ରାସ୍ତା ଅତିକ୍ରମ କରି ସେହି ବିନ୍ଦୁରେ ପହଞ୍ଚିଯିବା ତାକୁ ସେଥିପାଇଁ ଆବଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ର ଯେମିତି ଅନ୍ୟ ଏକ ଆବଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ର ଯାହା ଗୋଟେ ବକ୍ରରେଖା ଯେମିତିକି ଇଏ ଆକୁ ଆମେ କହୁ ଏଲିପ୍ସ ଆର ଉଦାହରଣ ହେଲା ଯଦି ତୁମେ କେବେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଥିବା ପଢ଼ିଥିବ ପୃଥିବୀ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚାରିପଟେ କେମିତି ରାସ୍ତାରେ ଘୁମେ ପରିକ୍ରମଣ କରେ ତା'ର କେନ୍ଦ୍ରରେ ରହିଲା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଏଠି ରହିଲା ପୃଥିବୀ ତାହା ଏକ ଏମିତି ବା ଏଲିପ୍ଟିକାଲ ପାଥରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚାରିପଟେ ଘୁରିଥାଏ ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆବଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ର ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ ଚାଲ ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସୀମା କ'ଣ ପରିସୀମା ହେଉଛି ବା ପରିସୀମା ବା ପେରିମିଟର ହେଉଛି ଯଦି ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଆବଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ର ମନେକର ମୁଁ ସବୁଠାରୁ ସାଧାରଣ ବା ସବୁଠୁ ସିମ୍ପଲ୍ ଉଦାହରଣ ନେବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେମିତିକି ଗୋଟେ ଆୟତକାର କ୍ଷେତ୍ର ଆୟତକାର କ୍ଷେତ୍ର ମାନେ କ'ଣ ଯେମିତିକି ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଆୟତକାର କ୍ଷେତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଆର ନାମ ଆମେ ଦେବା ଯଦି ଏ ବି ସି ଆଉ ଡି ଓକେ ତେବେ ପେରିମିଟର ହେଲା ଯଦି ଯେକୌଣସି ବିନ୍ଦୁରୁ ବାହାରିକି ମନେକର ମୁଁ କହିଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ବିନ୍ଦୁ ଏରୁ ବାହାରୁଛି ଓକେ ପୁଣି ବିନ୍ଦୁ ଏରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଯେମିତି ଏରୁ ବି ଗଲି ବିରୁ ସି ସିରୁ ଡି ଆଉ ଡିରୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିବା ପାଇଁ ଯେତିକି ଦୂରତା ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ହେବ ମୋତେ ତାହାକୁ ପେରିମିଟର ବା ପରିସୀମା କୁହନ୍ତି ତେବେ ଏଠି କ'ଣ ହେଲା ଦୂରତା ଆମେ ଜାଣିଛେ ଏ ବି ସି ସି ଡି ଆଉ ଡି ଏର ସବୁ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଯାହା ମିଟରରେ ମପାଯାଏ ମିଟର କିମ୍ବା ସେଣ୍ଟିମିଟରରେ ଆଉ ଯଦି ମୁଁ ଆକୁ କହେ ଏଲ୍ ମିଟର ଏଲ୍ ହେଉଛି ଜଷ୍ଟ ଗୋଟେ ସଂଜ୍ଞା ମାନେ ଗୋଟେ ନା ଯାହା ଏଲ୍ ଦୁଇ ମିଟର ଚାରି ମିଟର ଛଅ ମିଟର ଯାହା ବି ହେଇପାରେ ବି ସିର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ମନେକର ବି ମିଟର ହୁଏ ଓକେ ବେଳେବେଳେ ଆକୁ ଆମେ ଆୟତକ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ଆକୁ ଦୈର୍ଘ୍ୟ କହୁ ଆୟତକ୍ଷେତ୍ର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଆକୁ ଆମେ ପ୍ରସ୍ଥ କହୁ ପ୍ରସ୍ଥ ଆମେ ଜାଣିଛେ କି
एबी रो दैर्घ्य सीडी रो दैर्घ्य सहित समान आउ एडी रो दैर्घ्य बीसी रो दैर्घ्य सहित समान तेबे ए आयतक्षेत्र रो चारोटी बाहु तेबे दुईटी बाहु रो दैर्घ्य होची एल मीटर जहाँ कि एबी आउ सीडी रो आउ अन्य दुईटी बाहु रो दैर्घ्य होची बी मीटर जहाँ होची सीबी आउ डीए बा एडी रो तेबे परिसीमा रो आमे कोन संज्ञा कहले जदि आम जेकोसी बिंदु रु बाहरी से ही बिंदु पहुँचा पर्यंत आमको जीक दूरता अतिक्रम करा पड़ता है आम परिसीमा कहू तो एक क्षेत्र में कौन हम प्रथम मुझे ए रु बी को जीवाप मत ए बी दूरता अतिक्रम करा पड़ो बी रु सी जीवाप मत बी सी दूरता अतिक्रम करा पड़ो सी रु डी को जीवाप सी डी दूरता अतिक्रम कर डी रु ए जीवाप डी ए दूरता अतिक्रम करा पड़ो ए बी है एल मीटर बी सी है पुणी बी मीटर पुणी सी डी है एल मीटर एवं डी ए है बी मीटर तो आम से देखा टू एल प्लस बी यह परिसीमा परिसीमा कह रोटे आयत क्षेत्र परिसीमा बहुत ही साधारण संज्ञा जी दूरता आमको अतिक्रम करा पड़े गोटे आयत क्षेत्र वर्तमान पर आयत क्षेत्र उदाहरण जदि सेमती गोटे वर्गकार क्षेत्र नवा जमीक वर्गकार क्षेत्र नवा एक क्षेत्र में कौन हम जेहेतु एल आउ बी दुहे समान किथरे दुहे समान आम लिखिपर कौन एठार ये दूरता हूँ परिसीमा दूरता हूँ परिसीमा तेम से एक क्षेत्र परिसीमा कौन हम परिसीमा कौन हम जेहेतु एल आउ बी समान आम लिखा एल प्लस एल बा टू बी प्लस बी भी लिख पार था जहाँ गला फोर एल ओके तेबे ये सबुर एकक कौन हम जेहेतु आम सब जगह दैर्घ्य ही नहींचे ये सबुर एकक हम मीटर बा सेंटीमीटर जेकोसी दैर्घ्यर एकक हम यही परिसीमार एकक सेमती आम गोटे अन्य गोटे भी वृत्ताकार क्षेत्र बर्तमान नवा जमीक ये है गोटे वृत्ताकार क्षेत्र मन कर अनेक नहीं गोटे सर्कल आम जाचे गोटे सर्कल को आम गोटे तार व्यासार्ध बा रेडियस आपको आम कह व्यासार्ध बा इंग्लीश कहते रेडियस जानी था तेबे जदि आम बर्तमान प्रूफ करवानी प्रमाण करवानी जेकोसी बिंदु बाहरी से ही बिंदु पहुँचापी आमको जदि भाव के दूरता अतिक्रम करा पड़े जमीक यू बाहर के ये ओके तेबे आमको के दूरता अतिक्रम करा पड़ी था गोटे सेकेंड हाँ से बिंदु बाहर के आम से पहुँचा जिते दूर अतिक्रम करें ताको आम पेरीमीटर बा एक क्षेत्र में गोटे अलग ना देचे आम ओडिया आम से पेरीमीटर को आम परिधि खो जमीक जिनसटी से कि आमको के दूरता अतिक्रम करा पड़ी से पेरीमीटर जहाँ को आम परिधि कहू ता हम टू पाई आर आर हूँ ये तार व्यासार्ध तेबे ये पाई कौन पाई को आम बैश विभक्त सात पखापाखि तीन दशमिक एक चार एक सहित सामान पखापाखि कौन यहाँ को एक अपरिमेय संख्या से संपूर्ण भाव विभाजन कर पारने तेणु आम साधारण तीन दशमिक एक चार एक नौ कि बैश दस विभक्त सात तेब जो आम जाचे डायमीटर बा तार व्यास हूँ के डी मन कर व्यास हूँ ये टू आर तेज एक क्षेत्र में लिखिपर पाई इंटु डी आम कौन कले टू आर को आम लिखले डी तेबे ये हेगला गोटे उदाहरण परिसीमार कार गोटे वृत्तीयकार क्षेत्र सेमती जे आम के दूरता अतिक्रम कर गोटे जदि साधारण क्षेत्र नवा जमी हाँ त्रिभुज मन कर त्रिभुज तेबे या गोटे त्रिभुज हो प्रथम तो आम सरलता मुझे समबाहु त्रिभुज नेबी समबाहु त्रिभुज मान कौन प्रत्येक बाहुर दैर्घ्य सामान जहाँ मन कर एल मीटर
तेबे एक क्षेत्र रे केते हबो परिसीमा अति सहज परिसीमा हबो क जदी माने का में बी रु बाहर ले क्षेत्र माने करो बी रु बाहर ले बी रु सी को जीव पय केति की दूरता ताला बीसी पुनी सी रु ए को जीव पय सी ए मीटर ए रु बी को जीव पय ए बी मीटर माने ए रु बी रो दूरता जहाँ जेहेतु प्रत्येक समान आम लिख पार एल प्लस एल प्लस एल से हूँ थ्री एल मीटर यह गोटे समबाहु त्रिभुज मन रखते तीनो बाहुर दैर्घ्य समान जदि समबाहु न था तेज आम तीनो बाहुर दैर्घ्य जी जा था मनकर जेकोटी गोटे निमती कि एक क्षेत्र में यह गोटे समबाहु नुह यह जमी देखा गोटे सम दुई बाहु कारण ये दुईट बाहु सामान ये दुईट बाहु सामान ए बी सी तेज आम ये तीनो बाहुर दैर्घ्य को जदि आम मिसेबा तार समि ना तेज आम परिसीमा बाहर कर पार आम जानले जे आम विभिन्न प्रकार क्षेत्र परिसीमा केमती बाहर कर पारा तेज आम बर्तमान आलोचनार आरंभ देखी कि आम जेकोसी क्षेत्र तीनो जिस विषय जाना दरकार परिसीमा क्षेत्रफल आयतन आज आम परिसीमा विषय जानले आम परवर्ती आलोचन आम क्षेत्रफल और आयतन विषय जाना थैंक यू।